सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से जय धन्वंतरी, वंदे मातरम। आज से हम इस नई चैनल आयुर्वेदा अमृतम के माध्यम से आयुर्वेद का प्राचीन इतिहास, औषधि का उपयोग, गुण, कर्मा, प्रभाव इत्यादि, औषध निर्माण और औषध किन किन रोगों पर कारगर है, उसका क्या प्रभाव है, परहेज क्या रखनी है और ऋतु अनुसार क्या आहार विहार और खान पान रखना, ये सभी जानकारी आपको इसी आयुर्वेदा अमृतम चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। आपकी एक लाइक हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। आज हम जानेंगे आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर अवतरण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पुरातत्व वेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने इसका रचना काल 5000 से हजारों वर्ष पूर्व तक माना है। इस संहिता में आयुर्वेद के अति महत्व के सिद्धांत यत्र तत्र प्रकाशित है। महर्षि चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि मान्य ग्रंथकार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। परंपरा अनुसार आयुर्वेद के उपदेष्टा ब्रह्मा जी और आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की। इंद्र ने भगवान धन्वंतरी को सिखाया, उनसे जाकर महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा। महर्षि आत्रेय और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य की बात करें तो अश्विनी कुमार, भगवान धन्वंतरी, नकुल, सहदेव, ऋषि चैवन्य, जनक, बुध, जाम्बाल, पेल, अगस्त्य, आत्रेय तथा उनके 6 शिष्य जैसे कि अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, चारपाणी, हारित आदि। आयुर्वेद का अवतरण चरक संहिता मतानुसार। तो चरक संहिता मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से प्रजापति दक्ष ने प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से ऋषि भरद्वाज ने प्राप्त किया। फिर ऋषि भरद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी और आरोग्यमय जीवन प्राप्त कर आत्रेय आदि अन्य ऋषियों में उसका प्रचार प्रसार किया। तदनंतर पुनर्वसु ने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और चारपाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक तंत्र का निर्माण किया जिसका नाम था अग्निवेश तंत्र, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में महर्षि चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आज आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत संहिता मतानुसार आयुर्वेद का अवतरण। सुश्रुत संहिता के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ महर्षि सुश्रुत जब आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे आवेदन किया, इस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद की एक सहस्त्र अध्याय सत सहस्त्र श्लोक में प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्प मेघावी समझकर इससे 8 अंगों में विभक्त कर दिया और यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को यह ज्ञान दिया। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी ने समझाया कि हमने यानी काशी नरेश दिवोदास के रूप में यह ज्ञान प्राप्त किया। काश्यप संहिता अनुसार आयुर्वेद का अवतरण में यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को यह ज्ञान दिया और इंद्रदेव ने कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि ऋषियों को दिया। महर्षि अत्रि ने उनके पुत्र और उनके शिष्य को दिया। इस प्रकार काश्यप संहिता में आयुर्वेद का अवतरण बताया गया है। इस प्रकार हमने आयुर्वेद का इतिहास को जाना, जो सही तरीके से समझा
जो हर एक भारतीय को गौरव लेने जैसी बात है, क्योंकि यह हमारी धरोहर है जिसे हमें संभालना चाहिए और नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ जय धन्वंतरी, जय हिंद।